यहाँ से ले बचा है 210 कारू 175 पांग 34 और सारचू पीछे जो है 42 किलोमीटर्स। तो हम लोग वहाँ से 42 किलोमीटर्स चले हैं अभी। बस अभी बहुत डिस्टेंस बाकी है, जो एस्टिमेटेड टाइम है वो भी अराउंड 6 o'clock का है। अभी टाइम 1:15 हो रहा है। तो ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जितना जल्दी हो सके जहाँ पे भी मनाली है जिस पर मैं रुके हो वहाँ से निकलो। तो अब जाके हम लोग पहुँचे नकीला और यह पूरा रास्ता है यहाँ से। चलो निकलें क्या? नकीला टॉप, इसका हाइट है 15,547। हाँ काफ़ी हाइट है यार। फिर नकीला के बाद में इतना गंदा रोड है ना भाई, गॉड रोड ही नहीं है, गंदा क्या है, रोड ही नहीं है। धीरे धीरे अभी हाइट उतर रहे हैं, थोड़ा सा ना सर में हेडेक हो रहा है जस्ट बिकॉज वहाँ पर रुक गए ना थोड़ी देर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। और नकीला का भी जो हाइट है वो भी 15,000 अबव है। अभी यहाँ से क्या है कि हम लोग पहुँचेंगे पांग और पांग दिखा रहा है कुछ 31-32 किलोमीटर। वहाँ पहुँचने के बाद में रोड सारा सही हो जाएगा। अभी थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, रुकूंगा, पानी पीऊंगा, उसके बाद में बढ़ूंगा आगे। यहाँ पे कुछ ढाबा सा तो दिखा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं उसके बाद में निकलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा पीछे ब्रेकफास्ट क्या लंच का टाइम ही हो गया। वहाँ रुक गए, पांग दिखा रहा है 25 और लाचुंगला पांग से पहले पड़ जाता है। तो यहाँ से सीधा चढ़ान शुरू हो गई है एंड हम लोग पहुँचेंगे सीधे लाचुंगला टॉप पे। क्या हाइट है कुछ 17,600। यहाँ से जो लाचुंगला है दैट इज़ 2 किलोमीटर्स। अभी थोड़ा सा और कम हो गया, थोड़ी देर पहले देखा था, जिसका हाइट है 17,000 फीट के अबव। ये आज का राइड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। आज का राइड अगर कर लिया ना अचीवमेंट लगेगा। खारदुंगला वाले में क्या है कि अपने को जाना है, हाइट पकड़ेंगे, जाके उधर से वापस आ जाएंगे। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लाचुंगला, 16,616 फीट। हाँ एक छोटा सा जल्दी से फ़ोटो खींचते हैं उसके बाद में निकलते हैं। एक फ़ोटो खींच दो जल्दी से। तो अभी हम लोग लाचुंगला से नीचे उतर रहे हैं और थोड़ा सा पांग के बाद में प्लेन एरिया आएगा आई थिंक, वो भी काफ़ी हाइट पे ही है बट रोड सही रहेगा सो दैट इज़ गुड। एक और पास बाकी है विच इज़ तांगलांगला, विच इज़ ऑन अबव 17,800 फीट। तो बहुत ही ज़्यादा हाइट है उसका बट वो बिल्कुल लास्ट में पड़ेगा, थोड़ा सा मोटिवेट हो रखे होंगे। वाट लग गया है यार, तो यहाँ पे कैसी सी पहाड़ी है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है एंड मैन। अभी मैं क्या किया, थोड़ी देर बैठ गया रोड साइड पे ही। यहाँ से पांग 8 किलोमीटर है और आगे पहाड़ देखो यार कैसे हैं, ऐसा लगा अलग से बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या आर्टिफिशियल टाइप से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टेंट वेंट है। पांग का भाई, पांग का हाइट भी 15,280 है। वेलकम टू पांग। नहीं कहाँ किया, यहाँ पे रुक के थोड़ा सा खाना पीना करते हैं। ये अंदर अंदर गए क्या, अंदर अंदर जा सका, कहाँ पे खाए, अंदर जा सकते ना? नहीं पूछ रहा था बस। यहाँ पे आके आराम मिलेगा, थोड़ा सा कुछ खाएंगे उसके बाद में जाएंगे।
तो यहाँ पे हम लोग पांग में थे और ये शॉप्स हैं छोटी छोटी, यहाँ पे हम लोग रुके और मैगी वैगी खाया थोड़ा सा। आज बिल्कुल वॉट लग गया है, आ रहा है रिटर्न में लिटरली बहुत डिफिकल्ट है। चलो निकलते हैं अभी यहाँ से, मोरे आ गया है, मोरे प्लेन्स स्ट्रेट रास्ता है जस्ट कि तांगलंगला अपन लोग क्रॉस कर लेते हैं इवनिंग होने से पहले, क्योंकि अगर इवनिंग हो गया एंड उसके बाद में क्रॉस किया तो लिटरली वॉट लग जाएगा। लुक एट दिस मैन, कैसे पहाड़ी है, मतलब यहाँ पे तो नाम और निशान नहीं है किसी चीज़ का। तो फिर रास्ता देखो ऐसा आ गया कि पूरा डेजर्ट लग रहा है, धूल मिट्टी और रोड बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे आने के लिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप कम से कम नहीं 2 महीने तो अच्छे से वर्कआउट है रनिंग स्टार्ट कर दो, सो दैट कि आपको ना प्रॉब्लम ना हो ब्रीदिंग में, ब्लड प्रेशर, वो सारी चीज़ें। कैसा लग रहा है, मतलब बिल्कुल ही डेजर्ट है, बिल्कुल ही डेजर्ट है। तो ये मोरे प्लेन्स करके जगह है और यहाँ पे स्ट्रेट रास्ता चला जाता है। ऑलरेडी हम लोग 16,000 फीट पे हैं और यहाँ से जो सबसे ऊंचा पॉइंट पड़ता है वो है तांगलंगला, और उसके बाद में मतलब तांगलंगला में इवन हम लोगों को बर्फ भी देखने को मिल जाएगी, तो इतना ज़्यादा हाइट है तो डिफरेंस हो सकते हो। अभी यहाँ से ले है 179, तो अभी भी डिस्टेंस काफ़ी है और टाइम हो चुका है 4 o'clock, तो देखते हैं कितने बजे तक कवर कर पाते हैं। कि यहाँ पे थोड़ा सा लोगों ने बोला है देख के चलाने, क्योंकि इधर पे रास्ता स्ट्रेट है बट अचानक से बम्प है बहुत ज़्यादा, तो प्रॉब्लम है। लोगों के ट्रिप के 3000 किलोमीटर हो चुके हैं और अभी हम लोग ले भी नहीं पहुंचे हैं। रास्ता बहुत अमेजिंग है बट ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मतलब वी आर एट ऑलमोस्ट 16,000 फीट। दिस इज़ द थिंग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है गड्ढा, सो यू डोंट हैव टू ड्राइव फास्ट। सो ये वाला जो है अभी एरिया निकल गया, दिस इज़ डेबरिंग। अभी 126 फ्यूल रेंज दिखा रहा है ये, देखो तांगलंगला इज 16, तो ठीक है। एक मेरा इंटरकॉम काम करना बंद कर दिया है, सो आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक नाउ। जो यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना कि सारे पहाड़ का पीक पीक अपने को दिख रहा है यहाँ पे तांगलंगला से, ऐसा ही सेम सीन है खारदुंगला में भी। खारदुंगला में भी आपको सारे पहाड़ छोटे छोटे दिखेंगे, देख रहे हो मतलब क्या करना, मतलब पूरा पहाड़ी है, बर्फ गिरी है। ओ मैन, अब यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे तांगलंगला। आई जस्ट होप धूप पड़ रहा हो ना अपने को तो इजी हो जाएगा थोड़ी देर। तांगलंगला 1 किलोमीटर है यहाँ से, क्रेजी। फाइनली फाइनली ये हम लोग पहुँच चुके हैं शौर्य चक्र RCC और यहाँ पे है तांगलंगला पास। फाइनली भाई है मचा डाले, ओ बेलीचन आगे निकाले। So we are at Tanglangla, altitude is 17,582.
तो अभी यहाँ से चलेंगे, बहुत कम ऑक्सीजन लेवल है। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड एट तांगलांगला, जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट था पहले और अभी नहीं है, बट लुक एट दिस। यहाँ पे जो हाइट है दैट इज 17,582 फीट, और यहाँ पे राजेश भाई रोडॉक फोटो शूट करते हुए। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चलते हैं वापस। 17,582 फीट से हम लोग जाएंगे सीधा 11,000 फीट पे, जो कि है ले। अब वहाँ पे बॉडी को थोड़ा सा कस्टम करने के लिए हम लोग अगेन वहाँ पे एक दिन का स्टे प्लान किए हैं, तो आज पहुँचेंगे, जैसे कि आज रेस्ट लिया एंड कल भी हम लोग रेस्ट लेंगे, थोड़ा आसपास जगह घूमेंगे और उसके बाद में हम लोग निकलेंगे वहाँ से आगे टुवर्ड्स हंडर। तो बताओ मेरे को कमेंट डाउन करके कि कैसा लगा। एंड लिटरली यार, मतलब लद्दाख राइड इज़ नॉट अ जोक। किलोमीटर्स कवर करना मेन बात नहीं है, जो मेन बात है वो है ऑल्टीट्यूड, आप कितने हाइट पे जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे पेड़ ही सर्वाइव कर रहा है, सोचो आपका क्या हाल होगा। तो फाइनली हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से अभी नीचे आए हैं, तो लग गई है, मतलब ऊपर वाले हाइट पे इफ़ यू आर ड्राइविंग राइट, मतलब अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एक और पहाड़ी पड़ जाती है जो कि पूरी रेड कलर के पत्थर हैं उस पर, और ये है आफ्टर ससोमा और गोम्पा। फाइनली वी हैव एंटर्ड ले, और यहाँ उपशी पड़ जाता है सबसे पहला प्लेस, और यहाँ पूरा ले वाला पहाड़ियाँ शुरू हो गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरसाइज टोल पोस्ट उपशी ले लद्दाख। एंट्री करवानी है क्या? अच्छा, और एचपी पैंट है 23। हाउ वेट? आई वेट नहीं है सर, एचपी पैंट ए 23। तो आगे लिख लो 23। हां 23। सो गाइस अभी हम लोग आए थे ताशी देलाक कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, और यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो ये जो रेस्टोरेंट है दैट इज़ इन शे, एंड काफ़ी अच्छा था। हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए थे, आई लाइक डिट। तो अगर आप पूरा टायरिंग जर्नी करके आ रहे हो एंड यू वांट टू गेट सम रिफ्रेशमेंट, यहाँ पे आ सकते हो। सारे कुछ है, पिज़्ज़ा बर्गर वेज नॉन वेज सब कुछ है, सो डू चेकआउट।